टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा अतिथियों के साथ सर्किट हाउस टीकमगढ़ में स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, जल संसाधन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, टीकमगढ़ विधायक श्री राकेश गिरी गोस्वामी, खरगापुर विधायक श्री राहुल सिंह लोधी, पृथ्वीपुर विधायक डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव कशवानी सहित संबंधित अधिकारीगण तथा स्थानीय जन उपस्थित रहे। आज मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 7.5-9 करोड़ जनता की ओर से स्वर्गीय माधव महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और इस अवसर पर हम और पूरी टीम, जो भी अन्याय कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकास और प्रगति की श्रृंखला संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही 18 साल का प्रदेश सरकार का और 9 साल केंद्र सरकार का इतिहास है। मराठा कुड़िया से ही आपने आवाज उठाई थी, हम अतिथि के लिए उतरेंगे यही इसी टीकमगढ़ से, लेकिन अतिथियों के लिए कुछ नहीं हुआ, आप भाजपा में गए थे। मैंने उसी समय में जिस पार्टी ने विश्वासघात किया था, उस पार्टी को धरातल पर लाने का कार्य करके, जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ, जो नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ, और आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, चाहे किसान की हम बात करें, जहाँ 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि केंद्र से मिल रहा है, वहीं प्रदेश में 6,000 रुपये मिल रहा है, किसान को 12,000 रुपये मिल रहा है। अतिथियों के बारे में कहेंगे, जिस मुद्दे को लेकर बोला, विकास और प्रगति जिस पार्टी ने वो मैनिफेस्टो में डाला था, मैंने उस समय में भी कहा था कि अगर नहीं हुआ उस पार्टी के द्वारा, उस पार्टी को तो धरातल पे लाने का कार्य किया। अभी अभी नहीं हुआ ना, सिंधिया जी की मूर्ति का विरोध हो रहा है। महाराज जी, सिंधिया जी की मूर्ति का विरोध हो रहा है।